Hello friends, I am Ashish Tripathi. Once again I am in front of you with a new video on my new my channel Ashish Tripathi TCL. आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. आशा है कि पिछले वीडियो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आपने देखे होंगे वो आपको समझ में आए होंगे. उसके लिए मैं आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहूँगा. बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स नहीं भी किए हैं. जिन्होंने कमेंट नहीं किए हैं मैं मान के चलता हूँ उन्हें वीडियोस समझ में आ रहे हैं और वो वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं. इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा. जो भी वाक्य मैं यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने एग्जाम्पल में रखता हूँ उसके अलावा आपको अपने दैनिक जीवन में उन सिचुएशंस को जिनको मैं वीडियोस में डिफ़ाइन करता हूँ उन सिचुएशंस के हिंदी डायलॉग्स को अब आपको अंग्रेजी में बोलना शुरू करना होगा. आपको कोई परेशानी आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी परेशानी को सॉल्व करने के जो भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं सब पर काम करेंगे. आपके कमेंट और आपके सजेशन से ही मेरे अगले वीडियोस में मैं इंस्पायर होता हूँ और कुछ बेहतर कर पाता हूँ. आज के टॉपिक पे चलते हैं. आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम प्लस से. यानी कोई ऐसा हिंदी वाक्य जिसको हिंदी में बोलने पर रहा है, रही है, रहे हैं आता है, साथ ही साथ उसमें टाइम प्लस से का कॉन्सेप्ट भी आता है. उदाहरण के लिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मम्मी 2 बजे से खाना बना रही हैं, पापा 25 सालों से काम कर रहे हैं, दादाजी बचपन से टहल रहे हैं, मैं बचपन से खेल रहा हूँ. तो इन वाक्यों में रहा है, रही है, रहे तो आ रहा है, प्लस टाइम प्लस से आ रहा है. ये टाइम प्लस से इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से अलग करता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो भी वाक्य दर्शाए जाते हैं उनमें दिखाया गया कार्य टेम्प्रेरी होता है. उसमें कार्य के ऊपर जो काम उस वक्त हो रहा है केवल उस पर इम्फसाइज किया जाता है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कार्य के शुरू होने के वक्त के ऊपर इम्फसाइज किया जाता है, साथ ही साथ यह कार्य कॉन्टिन्यू हो रहा है इसके ऊपर इम्फसाइज किया जाता है, क्योंकि ये काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कॉन्टिन्यू चल रहा है. लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था उसमें क्या होता था, पास्ट में काम शुरू हुआ और खत्म हुआ, जिसका रिफ्लेक्शन प्रेजेंट पे आ रहा है, जिसका प्रतिबिंब प्रेजेंट पे आ रहा है, रिजल्ट प्रेजेंट में आया, काम पास्ट में शुरू हुआ और ख़त्म हो गया. लेकिन इसमें काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में भी कॉन्टिन्यू हो रहा है. तो इस पर्टिकुलर टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या अंतर है ये भी आपको समझ में आ गया होगा. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टेम्प्रेरी इफेक्ट होता है, वर्क एक्शन उस वक्त कॉन्टिन्यू होता है, इस बात के ऊपर वक्ता दबाव डालता है. इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा दबाव किन चीज़ों पर होता है, कार्य कब शुरू हुआ और साथ ही साथ सेंटेंस में कार्य अभी भी कॉन्टिन्यू चल रहा है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. आशा है आपको इसकी सिचुएशन समझ में आ गई होंगी, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं. एनी वर्क स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कॉन्टिन्यू, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी सतत हो रहा है. दूसरा, एनी एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट कंटिन्यूड एंड जस्ट फिनिश्ड, कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ अभी तक चल रहा था अभी अभी ख़त्म हुआ. जैसे मैं आपको 2 घंटे से फ़ोन कर रहा था, कहाँ थे आप? पापा सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे, पापा सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं. तो मैं आपको फ़ोन करके एक चीज़ कहता हूँ, तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मैं तुमको 1 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ. तो जब आपने फ़ोन उठाया तभी तो मैंने ऐसा कहा. तो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ 1 घंटे पहले, कंटिन्यू चल रहा था और जैसे ही आपने फ़ोन उठाया काम फिनिश हो गया. आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 1 आवर, मैं तुम्हें 1 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? इज इट क्लियर? थर्ड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यू टेंस प्लस टाइम प्लस से, दिस इज अ कॉमन थिंग वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ठीक है, इस टेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें ऑक्सिलरी यूज करनी पड़ती है, हैज बीन अथवा हैव बीन.
अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या कोई नाम हो तो हम ऑक्सली यूज़ करते हैं हैज़ बीन, नकारात्मक सेंटेंस में हैज़ नॉट बीन हो जाता है। इसके साथ वर्ब एक्शन की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको वर्ब आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अगर हमारा सब्जेक्ट आई यू वी अथवा दे है तो उसके साथ ऑक्सली यूज होती हैव बीन, नकारात्मक होने पर हैव नॉट बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर? अब नाउ वी कैन सी द एग्जांपल। मैं 1997 से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1997। मैं 1997 से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 1997। ये सिंस शब्द कहां से आया? ये सिंस इस से का ट्रांसलेशन होता है, ठीक है? ये जो से आया है इसके लिए सिंस अथवा फॉर का प्रयोग होता है। तो लगभग 90% सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के 99% सेंटेंसेस में सिंस अथवा फॉर का प्रयोग होगा। सिंस कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस में दिया गया टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो। और फॉर कब यूज करेंगे? जब सेंटेंस में दिया गया टाइम पीरियड ऑफ टाइम हो। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग रहा है एजुकेशन डेज में। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट, आप स्पीकिंग और राइटिंग के लिए इसको सीख रहे हैं लैंग्वेज को, इसका सिंपल फंडा मैंने बना दिया है। पॉइंट ऑफ टाइम 9 o'clock, कोई भी o'clock हो, 9 बजे हैं 9 o'clock, 10 बजे हैं 10 o'clock, 11 बजे हैं 11 o'clock, कोई भी o'clock हो तो उसके लिए क्या लगेगा? सिंस, क्योंकि वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम। कोई तारीख, एक तारीख से, मैं एक तारीख से पढ़ा रहा हूँ, एक तारीख को क्या बोलेंगे? तारीख को हमेशा रोमन में बोलते हैं फर्स्ट ऑफ मंथ। अगर 1 जुलाई दिया हुआ है तो क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ जुलाई, आई हैव बीन टीचिंग सिंस फर्स्ट ऑफ जुलाई, क्योंकि फर्स्ट क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है, से के लिए सिंस। I have been teaching since 1st of July. अगर किसी दिन का नाम दिया हो, राम संडे से पढ़ा रहा है, राम has been teaching since Sunday. राम मंडे से पढ़ा रहा है, राम has been teaching since Monday. अगर किसी महीने का नाम दिया है, राम मार्च से पढ़ा रहा है, राम has been teaching since March. अगर किसी साल का नाम दिया है कि राम 2002 से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2002, 2003 से सिंस 2003, 1947 से सिंस 1947, 1950 से सिंस 1950। बर्थ, इंसान के जीवन में एज को नापने के लिए जो सबसे पहला पैमाना था वो 5 उसका मापदंडों का था, बर्थ, चाइल्डहुड, यंगहुड, ओल्डहुड एंड डेथ, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। इन 5 पॉइंट को भी हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में रखते हैं। अगर सेंटेंस में आता है कि मैं जन्म से रायबरेली में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन रायबरेली सिंस बर्थ, वह बचपन से अमेरिका में रह रहा है, ही हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस चाइल्डहुड। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, जैसे जीवन के 5 पड़ाव थे जिनको हम लोगों ने पॉइंट ऑफ टाइम कैटेगरी में दिया, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, वैसे दिन के 5 कैटेगरी, वो 3 कैटेगरीज होती हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। तो अगर आपके सेंटेंस में से के साथ ये पॉइंट्स ऑफ टाइम आए तो उनके लिए भी सिंस लगेगा। राम सुबह से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राम दोपहर से खेल रहा है सिंस नून, शाम से खेल रहा है सिंस इवनिंग, रात से खेल रहा है सिंस नाइट। नेक्स्ट इज विंटर। विंटर में जस्ट राम जाड़े से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस विंटर, राम गर्मी से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस समर, राम बारिश से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस रेन, और राम बसंत से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस स्प्रिंग, और राम पतझड़ से खेल रहा है, राम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस ऑटम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये कभी कभी आता है लेकिन अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे, जस्ट केव एज, जब गुफाओं में इंसान रहता था उसको कहते हैं केव एज। उससे पहले का भी समय था आइस एज,
ठीक है। तो आइस एज से भारतीय सभ्यता चली आ रही है, इंडियन कल्चर हैज बीन रनिंग सिंस आइस एज, इज इट क्लियर। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम। इनी पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का गैप, दो पॉइंट ऑफ टाइम हो कोई, उनके बीच का गैप अगर सेंटेंस में बोला गया हो, दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे मैं 5 सेकेंड से सुन रहा हूं, तो 5 सेकेंड क्या हुआ, दो पर्टिकुलर सेकेंड, 9:05 हो या 10:05 हो, तो उनके 9:05 और 9:10 के बीच में कितने आए, 5 सेकेंड। तो दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच में जो भी समय होता है उसको सेंटेंस में बोला जाए तो दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ टाइम। मिनट्स, अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है कि वो 15 मिनट से आपका इंतजार कर रहा है, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू या ही हैज बीन अवेटिंग यू फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स क्या है, 9 बजे और 9:15, ये दो पॉइंट थे, उनके बीच का गैप है 15 मिनट, तो वो क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम। 9 बजे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, 9:15 एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दोनों के बीच का समय कितना है, 15 मिनट। तो आपके सेंटेंस में बोला गया कि राम आपका 15 मिनट से इंतजार कर रहा है, तो राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 15 मिनट्स, या राम हैज बीन अवेटिंग यू, वेट के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगता है, अवेट के साथ नहीं लगता, दोनों वर्ब इंतजार करने के लिए यूज होती हैं। तो राम हैज बीन अवेटिंग यू फॉर 15 मिनट्स, इज इट क्लियर। नेक्स्ट आर्स, फिर इसी तरह से डेज के लिए, वो 4 दिनों से फॉर 4 डेज, 4 घंटों से फॉर 4 आवर्स, 4 हफ्तों से फॉर 4 वीक्स, 1 हफ्ते से फॉर 1 वीक, 1 साल से फॉर 1 ईयर, 1 महीने से फॉर 1 मंथ, 4 महीनों से फॉर 4 मंथ्स, 4 सालों से फॉर 4 ईयर्स। सो दीज आर द पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर द पॉइंट ऑफ टाइम। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका प्रयोग करिएगा। और अगर सेंटेंस में ऐसा आ जाए 9:10 से, तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगेगा सिंस, और इसको बोलने का तरीका होगा 10:09। वह 9:10 से आपका इंतजार कर रहा है, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10:09। इसमें ओ क्लॉक नहीं लगेगा, जब टाइम राउंड फिगर में होता है, संपूर्णता में होता है, तब ओ क्लॉक लगता है, और अगर फ्रैक्शन में टाइम है तो वो इस प्रकार से बोला जाएगा, और इसमें ओ क्लॉक नहीं लगेगा। 9:15 के लिए क्या हो जाएगा, सिंस 15:09, और इसको 9:15 भी कहते हैं, क्योंकि 15 मिनट 1 घंटे का चौथाई हिस्सा है। और अगर 9:30 हो तो सिंस 9:30 या सिंस 9:30, क्योंकि 30 मिनट 1 घंटे का आधा हिस्सा है, तो 30 मिनट बोलिए या हाफ बोलिए। 10:30 से सिंस 10:30, 11:30 से सिंस 11:30। ऐसा है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ये एग्जाम्पल्स आपने देखे। मैं बचपन से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टेलिंग अ लाई सिंस चाइल्डहुड। मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टेकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से सो नहीं रहा है, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। वह बचपन से गाली नहीं दे रहा है, ही हैज नॉट बीन अब्यूजिंग सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों का कॉम्बिनेशन आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। एक और खास बात कि इस टेंस, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें चीज़ें होती रहती हैं कॉन्टिन्यूअस में, तो इसमें स्टैटिव वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। स्टैटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं एक्शन, जैसे पढ़ाना, लिखना, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, ये सब आपको दिखाई देती हैं, इन सबको हम लोग एक्शन वर्ब कहते हैं। वे क्रियाएं जो दिखाई नहीं देती, केवल महसूस की जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं स्टैटिव वर्ब्स, जैसे कि वांट, नो, अंडरस्टैंड, लाइक, डिसलाइक, फील, अनुभव करना, पसंद करना, समझना, जानना, चाहना,
इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करना चाहिए। अगर आपका सेंटेंस है कि मैं बचपन से उसे पसंद कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन लाइकिंग हिम सिंस चाइल्डहुड, ये गलत है। मैं बचपन से उसे पसंद कर रहा हूँ, ये कॉन्टिन्यू में नहीं बन सकता, क्योंकि पसंद करना एक स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं किया जा सकता। तो इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हो जाएगा, मैं उसे बचपन से पसंद कर रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव लाइक्ड हिम सिंस चाइल्डहुड। I have liked him since childhood. दो अंतर हुए, have के बाद been नहीं आया और liking की जगह liked हो गया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेटिव वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में नहीं करना है, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ना पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, पास्ट परफेक्ट, मैं आपको ये चीज़ याद दिलाता चलूं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान भी रखनी है कि जो क्रियाएं मेंटल होती हैं, इमोशनल होती हैं, उनकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, ऐसा कहना गलत होगा। ऐसा है आपको वीडियो समझ में आया होगा, टेंस पूरा समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऑब्वियसली हैज बीन, हैव बीन, निगेटिव होने पर नॉट बीच में आता है, किन सिचुएशंस में लगता है, एग्जांपल्स भी ले लिए हम लोग ने पॉजिटिव निगेटिव, और पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी आपको हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे कि आगे के वीडियोस जो हम ऑनलाइन करेंगे, अपलोड करेंगे, उनके नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल पर आ जाए। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो जब भी आप वीडियो देखें, पूरा देखें और अपने अनुभव को हमारे साथ साझा जरूर करें, अपने सुझावों को हमारे साथ साझा करें। अगर आप हमें ऐसे फीडबैक देंगे तो हम और अच्छे वीडियोस बना पाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।